हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज दिनांक 7 अप्रैल 2023 को मैं गया था कानपुर चिड़ियाघर आरिफ के सारस को देखने, क्योंकि कुछ दिनों से इसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी और कोई भी जा भी नहीं रहा था। सरकार और जो वन विभाग था अपने मकसद में लगभग कामयाब हो गया है। धीरे धीरे उसकी जो प्रसिद्धि थी, जो फेमस था, वो चीज़ अब धीरे धीरे धूमिल हो गई है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर ला के कानपुर में शिफ्ट कर दिया है। तो मैं गया था देखने, तो वहाँ पर मैंने जो देखी स्थिति, सारस पक्षी का बाड़ा जो है शुरुआत में ही गेट जो आप चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं तो पड़ता है और वो चारों तरफ से बंद है। और सारस वहाँ के जो सारस पक्षी हैं वो अपने पंखों को यूं ही एक नाटक करते हैं ऐसे फड़फड़ाने का, क्योंकि उड़ने के लिए कोई उनके लिए स्थान नहीं, खुला आसमान है नहीं, ऊपर भी जाल है नीचे भी जाल है। और आरिफ का सारस खुले आसमान में उड़ता था, अगर वन विभाग को यही करना था तो इससे तो उसी के पास रहने देते, लेकिन हो सकता है कि इसको क्वारंटीन करके बाद में कहीं शिफ्ट किया जाए। मैंने देखा जो वहाँ पे हाल पशु पक्षियों का, एक तो धूप ज़्यादा थी और ये जो सारस का बाड़ा है इसी के बगल में पीछे आपको दिख रहे होंगे आदमी, वहीं पे जो है आरिफ के सारस की व्यवस्था की जा रही है। अभी आया नहीं है, ये पता चला है एक दो दिन में उसको ला के यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो मैंने इसी क्रम में जब इतनी दूर गया था तो मैंने अन्य जानवरों के वीडियोज़ भी बना लिए उसमें, लेकिन मुझे ये चीज़ देख के बड़ा कष्ट हुआ कि जो सारस हैं वहाँ पे इन्हीं के बीच में जब लाया जाएगा तो कैसे, ये देखिए पंख फड़फड़ाने का नाटक कर रहे हैं, इनको कहीं जगह नहीं, उड़ने की चारों तरफ जाल है, केवल नौटंकीबाजी कर रहे हैं, इसी तरह वो भी करेगा, कैसे रहेगा बता रहे हैं। हालत में सुधार होगा, हालत में क्या सुधार होगा, जब किसी पक्षी की आज़ादी छीन के उसको एक बड़े जाल में बंद कर देंगे तो उसकी हालत में क्या सुधार होगा।